हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं फिर से आपको एक नया बीच दिखाने के लिए ले चल रही हूँ और ये बीच भी बहुत सुंदर है, तो मैं बहुत सारे बीचेस आपको दिखाती रहती हूँ। आई होप आपको पसंद आता होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फॉर सपोर्टिंग मी लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो कहीं भी ना जो हिडन बीचेज होते हैं, हिडन प्लेसेस होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो वहाँ पे जाने के लिए किसी अंदर के गाँव वाँव के रास्ते से जाना पड़ता है। इसके पहले वाला बीच वाला वीडियो भी मैंने डाला था, वो भी बहुत दूर है, उसके लिए भी एक गाँव के अंदर से जाना पड़ता है। इवन उससे ज़्यादा गाँव का रास्ता ये है। तो ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ना, इधर से लेफ्ट जाने से बीच डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ के, मतलब इस रास्ते से बीच काफ़ी पास है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है, शादी हो रहा था, तो हम लोग फिर बैक आ करके और फिर दूसरे रास्ते से आए। दूसरे रास्ते से हम आए तो यहाँ देखिए वही वाले लोग उधर से मूव होके इधर आ गए। मतलब उन लोगों का फंक्शन होता है ना शादियों में कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो लोग वहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आ गए। हम इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे और पीछे भी पूरी कार्स थी, आगे भी कार्स थी, तो हम निकल नहीं सकते थे। आराम से 2.5 से 3 घंटे हमें लगा था, थोड़ी देर के लिए लगा जब रास्ते में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो थोड़ी देर के लिए लगा कि हम लोग तो यहीं पर इतना शाम कर दिए तो बीच पर क्या ही जाएंगे, वापस चल चलते हैं। लेकिन फिर लगा कि चलो जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार बीच देख लेते हैं, फिर कभी टाइम निकाल करके आराम से आएंगे। तो ये थी हमारी हालत। और वहाँ पे खूब शादियाँ, खूब डांस हो रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था, हंसी भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था। और अगल बगल एकदम रोड की पास ही सबका घर है और सब लोग वहीं पे वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। एकदम फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स थे, फ्रेश फ्रेश फिशेस थी जिनको ले आ करके वो रख के बेच रहे थे। मैं सोच रही थी लोग इतना मतलब रोड पर रखे हैं, उन्हीं का गांव है तो खरीदता कौन होगा, तो शायद आने जाने वाले लोग ही खरीदते होंगे। फिर हम लोग बीच के लिए निकले और ये बीच देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जितने भी ये हिडन प्लेसेस होते हैं ना, यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग बहुत सारी हुआ करती थी। और रिसेंटली कुछ साल पहले यहाँ पे एक और बहुत फेमस मूवी की शूटिंग हुई थी। छोटा छोटा सीन्स लेते हैं वो लोग अच्छे अच्छे लोकेशंस पे, तो उसमें से एक लोकेशन ये भी यूज़ किया गया था। तो बहुत अच्छी जगह है। अंदर जाने के बाद ना, अंदर का जो एरिया है, बीच का एरिया, वो काफ़ी सुंदर है। आने जाने वाला जो रास्ता है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल साफ भी नहीं है, लेकिन अंदर इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है। अंदर यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स हैं, यहाँ पे ऊपर राइट साइड में पहाड़ है एक, और उसके ऊपर शंकर पार्वती का ऐसा स्टैचू बना हुआ है। देखने में यहाँ से बहुत लग रहा है कि एकदम पास में ही है, बट इतना पास में नहीं था, एकदम पीक पे था ऊपर। लेकिन सुंदर ये लग रहा था कि ऐसे समुद्र के पास इस तरह से मूर्ति थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे बैठना। और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा लगी मुझे, कुछ कुछ जगह ऐसा है ना जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत फील होता है। बट अंदर आकर के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। लेफ्ट साइड में यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स हैं, आराम से यहाँ पे बैठा जा सकता है। थोड़ा सा और अच्छा वेदर होता तो अच्छा होता, यहाँ पे बैठने में बहुत मज़ा आता, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सफोकेशन हो रहा था मुझे स्पेशली। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे, फिर हम उसके बाद ऊपर चले गए, क्योंकि जो वेव्स है ना वो इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी कि हम कहीं स्टोन पर बैठ भी नहीं सकते थे। तो ये पूरा यहाँ का व्यू है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पर। और यहाँ से ऊपर जाना है तो इधर से नहीं जा सकते, मुझे लगा कि इधर से ही ऊपर जा सकते हैं, बट इधर से ना जा करके थोड़ा पीछे से होकर के फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जाने के बाद ना वो ऊपर का भी मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगी कैसा है व्यू। और यहाँ से व्यू ऐसा है ये पूरा। तो जो ये बीच के पास बड़े बड़े माउंटेंस होते हैं ना, मतलब रॉक्स होते हैं, नॉट माउंटेंस, तो ये जो रॉक्स हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और इस बीच पर तो माउंटेंस भी थे दोनों साइड बड़े बड़े, और फिर छोटे छोटे रॉक्स भी थे बहुत सारे। बट यही जो बीच होता है ये बहुत डेंजरस होता है, अगर गलती से कोई गिर गया ना तो वो फिर आना उसका बाहर मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं इसमें अंदर गई, मुझे बीच में अंदर जाना बहुत अच्छा लगता है, और ये बीच बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम वाइट सा बीच था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप इसकी वेव्स देखिए किस तरीके से आ रही हैं।
तो हम थोड़ा लेट आए थे इसलिए बहुत देर तक रह भी नहीं सकते थे। तो फिर हम ऊपर गए, ऊपर हम काफ़ी देर तक थे, तो ऊपर जाने के लिए पीछे आ करके और इस रास्ते से फिर उधर जाना था, क्योंकि वो जो आपको ऊपर ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, वो नॉर्मल प्लेन रास्ता नहीं है, अंदर बहुत डीप है वो, मतलब उसको ऐसा रेलिंग जैसा दे करके बनाया गया ताकि कोई गिरे ना। देखिए अभी ये कितना अंदर गड्ढा है, मतलब बहुत डीप है, तो हम साइड से नहीं आ सकते। और इस साइड लेफ्ट साइड में ये ऊंचा सा एक माउंटेन है, ऊपर आने के बाद मैंने देखा कुछ लोग वहाँ पे ऊपर हैं भी, वो लोग उधर से ही गए होंगे जहाँ से हम लोग इधर आने के लिए टर्न हुए हैं ना कार से, जब हम आ रहे थे तभी वो लोग तभी उधर से चले गए होंगे क्योंकि उधर से ही रास्ता है। और वहाँ पे जाने वाले लोगों को कैसा लग रहा होगा, मैं यही सोच रही थी, पूरा सी और एकदम ऊपर जाओ तो बहुत डर सा लग रहा होगा। तो ये है रास्ता, अब इधर से हम अंदर चलते हैं। अंदर देख के मुझे बड़ा दर्द हो रहा था, इतना गंदा था अंदर, मतलब सब लोग बॉटल्स फेंके हैं और फ्रूटी माजा का जो छोटा छोटा बॉटल्स होता है ना पैक पेपर वाला, वो वाला बहुत सारा था वहाँ पे। तो कोई भी कहीं भी जाए ना तो कुछ भी चीज़ें फेंके ना, अपनी खाने पीने की चीज़ें जो भी उसके रैपर्स हो उसको अगर डस्टबिन अवेलेबल हो तो डस्टबिन में डाल दे, नहीं तो कहीं ऐसी जगह एक जगह रखें ताकि अगर सफाई वाला कोई हो तो वो वहाँ से लेके चला जाए। तो अब मैं इसके ऊपर चढ़ गई, ऊपर आना काफ़ी टफ था यहाँ का, तो ऊपर आई मैं और ऊपर आने के बाद ओ माय गॉड बहुत सुंदर लग रहा था। और ऐसे मैं आगे आई और आगे आते ही मैं एकदम डर गई, मेरी सांसें एकदम रुक गई कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े होल्स हैं कि इसमें से आराम से एक बड़ा आदमी गिर सकता है और वो गिरेगा तो सीधे नीचे जाएगा। पता नहीं किस पर्पज़ से इन लोगों ने बनाया है, शायद राइट साइड वाले में जाली है ना तो लेफ्ट वाले में भी जाली होगी, वो जाली टूट गई होगी। जो भी हो यहाँ पे आना बहुत टफ था और अभी तक तो मैं यहाँ पे एक ही बार गई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का से जाऊँगी एक बार और यहाँ पे आराम से बैठ के इस नज़ारे को मैं इंजॉय करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अभी बहुत सारे बीचेस आपको दिखाई हूँ ना, आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे सारे बीचेस के वीडियोज देखिएगा, सारे कितने डिफरेंट हैं और ये सब से कितना डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख करके। मतलब आप आगे की तरफ देखेंगे तो आपको दूर दूर तक बस समुद्र दिखेगा और नीचे समुद्र रहेगा और आप उससे ऊपर रहेंगे, तो यू कैन फील कि वो मतलब कैसा फील होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे थे, फिर रिटर्न हो गए क्योंकि शाम हो रही थी और ये काफ़ी अंदर भी है ना, तो गांव से बाहर निकल के जाना है तो लाइट वगैरह पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इसलिए हम लोग फटाफट फिर रिटर्न भी हो गए। पार्किंग वगैरह का एरिया भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब स्पेशियस है, हो सके तो फ्यूचर में ये लोग कुछ यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे। अब कभी फिर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर से आप लोग को दिखाऊँगी। और ऊपर जाने के लिए मैंने सोचा सामने से रास्ता है, बट देखिए यहाँ पे एकदम सामने ना ऐसे जो वॉल है, वॉल के एकदम सामने से ऊपर जाने का रास्ता है। ये आने के टाइम मैंने नहीं देखा, मुझे लगा कि सीधे उधर बीच की तरफ जा कर के और वहाँ से ऊपर जाना है क्योंकि वहाँ से भी छोटे छोटे रास्ते दिख रहे हैं, बट उसका रास्ता यहाँ से है और उधर ब्रिज पे जाने के लिए उधर से रास्ता है। जो लोग यहाँ के लोग हैं उन लोग को पता ही होगा, जो लोग आते जाते रहते होंगे, और हम लोग पहली बार आए थे यहाँ पे तो उतना आइडिया नहीं था। जो भी हो इस बीच पे आकर के काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए ही हम आए थे लेकिन बहुत अच्छा बीच था ये। होपफुली आप लोग को भी पसंद आया होगा, अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।